हाय एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? मन के सच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का एक टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सर ये टॉपिक का मतलब ना समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं समझाता हूँ टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। अभी देखिए एग्जांपल्स लेता हूं, ओके सर। आप क्या कर लो, फटाफट क्या करो, आप गैस जो है ना, आपका गैस चूल्हा, घर में गैस चूल्हा जो होता है ना, उस पर आप लाइटर से ऐसा इग्निशन दो थोड़ा सा, तो आप देखोगे तुरंत जल जाएगा वो, है ना। जैसे या फिर आप माचिस की तिली लो, जैसे हम ऐसे करते हैं वैसे जल जाता है। हम जानते हैं बच्चों किसी को भी जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो अभी जो आप गैस चूल्हा जो जला रहे हैं बच्चों, हमारे चूल्हे से जो निकलता है गैस, वो कौन सा गैस है? नेचुरल गैस, मीथेन गैस, ठीक है। और हवा में है ऑक्सीजन। जैसे हम लाइटर देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गैस जलने लग जाता है ना, जलने लग जाता है भाई, मतलब वो रिएक्शन हो रहा है ना, हो रहा है। लेकिन कितना फास्ट हो रहा है। तो जैसे बटन दबा आपने, लाइटर से थोड़ा सा इग्निशन निकला, चिंगारी निकली और वो जल गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल मेरे सुनो, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जंग लगना पढ़ चुके हैं करोजन, है ना, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं भाई, करोजन जंग लगना, आयरन का जंग लगना। आपको पता है ना जंग लगने में कितना टाइम लगेगा? आप जाके छोड़ दो, है ना, लोहे को, और इंतजार करो जंग लगेगा। अरे भाई उसको टाइम लगेगा जंग लगने में, है ना। पता चले तुम उसको इंतजार कर रहे हो कि भाई धूप में रख दो, और इंतजार कर रहे हो कि हाँ भाई जंग लगेगा, तो पता चले जंग उसको नहीं आपको लग जाएगा जंग, समझ रहे हो ना। तो भाई जंग लगना एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, वक्त लगता है उसको, महीनों लग सकते हैं, कभी कभी साल लग सकते हैं, है ना, कुछ दिन लग सकते हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत टाइम लेता है ना। लेकिन हमने क्या देखा, गैस का जलना बहुत जल्दी हो गया। या और देखो, और बताता हूँ, आपको पता है अल्कोहल, वही दारू यार, शराब कैसे बनता है, आपको पता ही होगा, जो भी जूस होते हैं फ्रूट के जूस, जैसे एप्पल के जूस हो गया, या आप ले लो ग्रेप्स, अंगूर बहुत ज़्यादा फेमस है, अंगूर का जूस जो होता है ना, उससे बनता है। अब उससे कैसे बनता है, वो जो जूस हो गया ना, वो जूस हमने निकाल लिया, है ना, हमने ग्रेप से, अंगूर से जूस निकाल लिया, या हमने एप्पल से, है ना, सेब, उसे वहाँ से जूस निकाल लिया। अब जूस निकालने का बच्चों, क्योंकि वो मीठा रहता है, और मीठा जो कोई भी चीज़ अगर मीठा रहता है तो मतलब क्या, उसके अंदर है ग्लूकोज, ग्लूकोज, क्योंकि पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, तो बात करेंगे केमिकली, क्या है क्या है क्या क्या है, क्या चीज़ बोलो, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6 ग्लूकोज, हमेशा याद रखना ग्लूकोज, ओके सर, ओके। अब ये ग्लूकोज है बच्चों, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे ईस्ट, क्या डाल देंगे, ईस्ट। ईस्ट क्या है सर? भाई आप जानते हैं भाई, ईस्ट एक फंगाई है ना। अभी बेकर से देखो ना, एक पाउडर के फॉर्म में आता है, एक फंगस है ये, लेकिन बच्चा वो पाउडर के फॉर्म में आता है, जिसको बेकर ईस्ट, देखो ना, जो भी हम ब्रेड बनता है या घर में कोई पूड़ी वगैरह बनता है तो हम ईस्ट डालते हैं, मम्मी देखो डालती है बेकर ईस्ट, जिसके से वो फूल जाता है ना, वो ईस्ट क्या करता है, फूल जाता है बच्चों। तो जैसे हम ईस्ट डालते हैं ना, वो फूल जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये रिएक्शन करता है तो देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता है C2H5OH। बेटा C2H5OH को बोलते हैं हम लोग इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मतलब बनाता है वो अल्कोहल और वहां से CO2, तो CO2 गैस निकलता है, गैस निकलने के से आपका ब्रेड स्पॉन्जी हो जाता है, स्पॉन्जी तो ना फूल जाता है ब्रेड या पूरी जो भी हो, उसमें बेकर्स ईस्ट है ना, मालूम रहेगा यार बेकर्स, नहीं तो मम्मी से पूछ लेना बेकर्स ईस्ट, है ना। तो एक पाउडर रहता है, वो पाउडर मिलाने से ऐसा होता है, ठीक है। तो इथेनॉल अल्कोहल, तो क्या सर ब्रेड में अल्कोहल है? नहीं बेटा, बहुत कम अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में, इसलिए देखना ब्रेड आप जब खाओगे तो हल्का सा खट्टा लगेगा, हल्का सा, जो भी चीज है डफ, डब डब बोल रहा हूँ, डो, DOUGH, डो बोलते हैं ना, डो, जो भी हमारा बेकरी की चीज है वो डो से ही बनता है ना, डो को गूंथते हैं मस्त, वो जो गूंथते हैं, गूंदने के बाद मैदा को जो गूंथते हैं तो उसको डो बोला जाता है भाई, तो उससे सारी चीजें बनती, तो उसमें मिलाया जाता है ईस्ट, ठीक, जिसके से वो फूलता है, पफ होता है, स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक। तो बेटा बेकर्स ईस्ट की वजह से वो बन जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर वही कहानी होती है। हम क्या करते हैं, अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल बोला हूं, वो जो जूस है अंगूर का जूस या उसका जूस, उसमें बहुत सारा ईस्ट मिला देते हैं, तब क्या बन जाता है वो, अल्कोहल, लेकिन उसको टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है। अभी देखो ये इस तरह के एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं ना, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैं इस तरह के एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है, वरना और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मैं यही ले रहा हूं क्योंकि आपके बुक में, यार आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं।
तो भाई क्या देखा हमने, क्या देखा क्या देखा सर, हमने देखा क्या, सबसे पहले आपने बोला, क्या बोला सर आपने, बोला कि अगर गैस को जलाओगे तो कितना टाइम लगेगा, छू ऐसे बंद ऐसे बटन दबाया जल गया, केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। सर दूसरा आपने करोजन, जंग लगना, मतलब जंग लगने के इंतजार में अगर हम रहेंगे तो कि हमको ना जंग लग जाए, मतलब भाई इतना टाइम लगता है उसको, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन बहुत टाइम ले रहा है, हाँ ये वाला सर इसमें भी बहुत टाइम लग रहा है। आप क्या कर दो, बेकिंग सोडा ना, बेकिंग सोडा घर में, सोडा खाने बनाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा वही बेकर्स ईस्ट वही है ना, बेकिंग सोडा ठीक। अब जो सोडा है उसको भाई उसमें मिला दो एसिड, नहीं मिला पाओगे तो एक काम करो, घर में सोडा रहेगा, खाने बनाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, अब उसमें मिला दो नींबू, नींबू का जूस है ना, नींबू में भी होता है बेटा एसिड, सिट्रिक एसिड है ना, अगर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो मिला दो, वरना नींबू का जूस। तो देखोगे आप वहां से क्या बबल्स आने लगेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एफरबसेंस, क्या बोलते हैं भाई एफरबसेंस, केमिस्ट्री में बोलते हैं एफरबसेंस, बुदबुदाहट से एकदम बबल्स फॉर्म करके वहां से निकलने, करके देखना तुरंत देखा बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब यार कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो हो जा रहा है, मतलब यार कुछ तो है, ऐसा क्यों हो रहा है? वही पढ़ना भाई कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शंस को कभी फास्ट कर देती है कभी स्लो कर देती है, तो किन किन चीजों की वजह से कोई भी रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। मतलब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के टाइम के बारे में, क्या पढ़ने वाले जल्दी बताओ, केमिकल रिएक्शन के टाइम के बारे में। रेट का मतलब होता है बच्चों टाइम, रेट का मतलब क्या होता है टाइम, कितना समय लगा, कितनी जल्दी हो गया ये रिएक्शन या कितना लेट हुआ, उसी को बोलते हैं हम रेट, स्पीड। रेट बोले तो टाइम यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितने वक्त में रिएक्शन हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वही रेट पढ़ेंगे हम, टाइम पढ़ेंगे। आपने देखा रहेगा बच्चों ठंडी के मौसम में जब हम दूध से दही बनाते हैं तो वक्त लग जाता है क्योंकि टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो ठंडी के समय में खाना भी अपना खराब नहीं होता है, मस्त एकदम टकाटक सुबह बनाया शाम तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर गर्मी के टाइम होगा भाई, सुबह जो खाना बनाओगे अगर फ्रिज में नहीं रखा तो शाम तक दाल खट्टी, फिर से दाल बनाना पड़ जाएगा, है कि नहीं? ठंडी में आप सुबह बना के, ओ चलो एक टाइम का दोनों टाइम का बना लो खाना और रेडी, आप तो नहीं बनाओगे मम्मी बनाएगी, चलो मम्मी बना के दम बेदम मस्त है एकदम, चलो भाई ठंडी का टाइम है खराब नहीं होने वाला। लेकिन गर्मी में ऐसी गलती ना करें वरना क्या हो जाएगा, दाल खट्टे हो जाएंगे फिर खाना नहीं मिलेगा। खैर सर क्या बोले, तो बेटा कहने का मतलब क्या कि गर्मी में टेम्परेचर की वजह से वो खाना खराब हो गया या उस टेम्परेचर की वजह से गर्मी में दूध से दही बहुत जल्दी बन जाएगा। दूध से दही बनने में वक्त नहीं लगेगा गर्मी के वक्त में, लेकिन ठंडी में वक्त लगेगा। मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है यार, टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन में भी टाइम कम या ज्यादा लग रहा है। मतलब यार बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी क्या क्या चीजें, चलो देखते हैं हम, वही देखने हैं कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो उसके टाइम को बताती है कि टाइम कब लगेगा ज्यादा लगेगा। तो क्या क्या चीजें हैं तो उसको देखते हैं हम, क्या पढ़ना है सर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइम किस किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स को डिपेंड करता है, देखते हैं। पहली बात नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सर ये क्या बता रहा हूं, सबर, नेचर का मतलब वो रिएक्टेंट, ये बच्चों जान चुके हैं हम, जो भी रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन कर रहा है CO2 बना रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट जो राइट में है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट जो लेफ्ट में। सर कितनी बार बताओगे, ये बार बार बता चुके हो। अरे बाबू बच्चों, हो सकता है कोई नया बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको भी समझ में आए ना। हाँ सर सही बोला आपने, अच्छा ठीक है देखते हैं देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सी प्लस ओ टू सी ओ टू बनाया, ये सी ओ टू राइट में है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये लेफ्ट में है रिएक्टेंट बोलते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ओके सर, अगर रिएक्टेंट का नेचर, नेचर कैसा है, मतलब वो कितना रिएक्टिव है, मतलब वो कितना रिएक्टिव है, कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है या कम, ज्यादा रिएक्टिव अगर होगा तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्टिव कम होगा तो रिएक्शन को होने में टाइम लगेगा, है ना। ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, कम रिएक्टिव होगा टाइम लगेगा। याद करो एक गाना जो मैंने आपको सुनाया था, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। सर ये वाला गाना ना बहुत लग रहा है, बहुत लग रहा है, लगेगा लगेगा हर टॉपिक में। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, पर बदले में हर्ष बाबू ने दी क्यूट कैटरीना को हार्ड सिल्वर ऑडी। भाई साहब ये हार्ड जो है
है ना, बीएमडब्ल्यू में एक वैरायटी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। खैर गर्मी बहुत लगती हुई, ठीक है, खैर जाने दो गर्मी का क्या करना है। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में, ठीक है, अरे भाई रिएक्टेंट में हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम लिया मैंने, एल्यूमिनियम मेटल, और एक मेटल लिया मैंने जिंक, जिंक एल्यूमिनियम मेटल लिया, जिंक लिया, दोनों का एकदम सेम क्वांटिटी। मान लो ये 5 ग्राम, मैंने ये 5 ग्राम लिया, ये भी 5 ग्राम, एक भी कम नहीं, और मान लो इसका मैंने कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दोनों से रिएक्शन कराया, मतलब भाई हमारे पास 2 बीकर है, ये तो एक ही है, मान लो हमारे पास 2 बीकर है, 1 और 1 2, ठीक है, दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम अमाउंट, चलो मान लो 10 ml, 10 ml, 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में है, ओके ओके, दोनों में 5-5 ग्राम, 5 ग्राम एल्यूमिनियम, 5 ग्राम जिंक ZN, दोनों की क्वांटिटी एकदम सेम, लेकिन पता है यहां से रिएक्शन होगी क्या बनेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको बोलते हैं सॉल्ट, है ना, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा भाई, एक्वस फॉर्म में, ये डायल्यूट लिया जाता है, डायल्यूट लिया गया है, मतलब पानी में मिक्स है भाई, पानी में मिक्स है, ठीक ठीक, दोनों भी, हाँ दोनों भी, ठीक, और यहां से बनाएगा H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, बुदबुदाहट के साथ इफर्वेसेंस, है ना, हाइड्रोजन गैस छू निकल जाएगा, ओके, यहां भी, यहां बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां भी सॉल्ट बना, यहां भी सॉल्ट बना, ये सॉल्ट है बच्चों, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, इसको सॉल्ट बोलते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक, हाइड्रोजन गैस दोनों में निकल गया, दोनों में निकल गया, दोनों का एसिड से कराया, एसिड कराया, लेकिन बच्चों आपको पता है क्या सर, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ये रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, और ये रिएक्शन इसके मुकाबले लेस फास्ट, लेस फास्ट होगा, लेकिन इससे कम टाइम लगेगा। सर ऐसा क्यों, मैंने बताया था ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सब नीचे कम रिएक्टिव, एल्यूमिनियम और जिंक यहां ध्यान दीजिए, ऊपर कौन, एल्यूमिनियम पापा, ए पापा ने एल्यूमिनियम जी, नीचे कौन, जिंक, ज्यादा रिएक्टिव कौन, एल्यूमिनियम, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा जल्दी रिएक्शन करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा टाइम लगाएगा, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। यस सर, किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई सर किसी भी नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसका जो रिएक्टेंट है वो कितना रिएक्टिव है, अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, अगर कम रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन लेट से होगा। मतलब हमको क्या पता चला, ब्लू पेन से लिखता हूं, क्या पता चला सर, पता चला कि जो हमारा नेचर होगा रिएक्टेंट का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टेंट के नेचर, अगर रिएक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, तो भाई रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि रिएक्टिविटी जो होगी रिएक्टेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब जितनी है, जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना फास्ट रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ऐसे लिख सकता ना, रिएक्टिविटी, शॉर्ट में लिखता हूं, यहां पे शॉर्ट लिखता हूं, रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर रिएक्टिविटी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाने का मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, रिएक्शन बहुत क्या होगा, फास्ट होगा, और इसका मतलब रिएक्शन बहुत स्लो, ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर साइज ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो भाई रिएक्ट कर रहे हैं ना उनके साइज पर भी डिपेंड करता है। ये क्या? चलो देखते हैं, मैंने क्या, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये ले लो, चलो ठीक है, इसको फाड़ दूं, फाड़ देता हूं, चलो ये चीज है, मुझे इसको जलाने का है, ठीक, मैंने इसको जलाया, टाइम देखना कितना लगेगा, अब इसको जलाया टाइम कितना लगेगा, इसको कम या इसको कम, सर इसको कम टाइम लगेगा, ये छोटा है ना, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ये बड़ा है ना, तो रिएक्टेंट जितना छोटा होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ये क्या दिखा रहा हूं, रिएक्टेंट जितना छोटा होगा, है ना, जो रिएक्टेंट होगा जितना ज्यादा छोटा होगा उतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, मतलब उतनी जल्दी रिएक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर और एग्जांपल अगर मैं बता दूं इसमें एक फॉर्म में, तो देखो मैंने क्या किया, एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर,
लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। चौक ले लो, चौक, चौक जानते हो ना, चौक, ओके, चौक, चौक क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक लिया मैंने, चौक को गर्म किया, या चौक में मैंने एसिड डाल दिया, चौक में मैंने भाई एसिड डाल दिया, अब क्या किया मैंने, चौक को तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको चूर चूर हो गया, ठीक है। तो एक बीकर में मैंने क्या किया, HCl लिया, दो बीकर लिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में लिया, 10 ml मान लो लिया, एक में चौक रख दिया अखा अखा पूरा, और एक में चौक को पीस पीस करके टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। रिएक्शन फास्ट किस में होगा सर, टुकड़े टुकड़े वाले में, इसमें नहीं होगा, क्योंकि भाई इसका सरफेस एरिया कम है ना, उसको देखो ना, जो चौक रहेगा, देखो यहां यहां चौक जो रहेगा, अभी एसिड जो है ना, पहले यहां पे अटैक करेगा, यहां से रिएक्शन करेगा, फिर ये टूटेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, और वो तो चूरा चूरा है, चूरा चूरा है, पूरे में अच्छे से रिएक्ट कर लेगा, है ना। या सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैंने बताया भाई, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है, ठीक है। इसको मैं एसिड में डालूंगा तो इसको मेल्ट होने में, इसको पिघलने में कम टाइम लगेगा, इसको कम टाइम, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको सॉरी, इसको ज्यादा टाइम लगेगा और इसको कम टाइम लगेगा। मंजे क्या लिख दूं, साजेस फैक्टर में एग्जांपल, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन लाइम स्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ भाई, चौक के फॉर्म में, पीस के फॉर्म में ले रहा हूँ, इसके पीसेस ले रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़े ले रहा हूँ, या बोल दो आप क्या ले रहा हूँ, चौक ले रहा हूँ। अब इसका हमने कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, ये बनाया। यही रिएक्शन सेम कराया मैंने, लेकिन वहां पे क्या ले लिया, पाउडर, पाउडर के फॉर्म में। रिएक्शन सेम होने वाला है, वही चीज मिलने वाली है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। मतलब क्या पता चला, जितना ज्यादा स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना छोटा क्या होगा भाई साइज होगा, उतना ज्यादा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, है ना। क्या बोल दूं भाई, कि जितना छोटा रिएक्टेंट का साइज होगा, है ना, तो ऐसे बोल दूं स्मॉलर द, यहां पे लिखता हूं कंक्लूजन, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसका साइज अगर छोटा होगा तो स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। ये हमको पता चला कि जितना छोटा साइज लेंगे उतना ज्यादा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, जितनी बड़ी साइज रहेगी उतना टाइम लगेगा ना उस चीज को। अरे 5 लीटर पानी, एग्जाम्पल पानी का भी ले लो, क्वांटिटी बोल दो, ये बड़ा, ठीक है। या और एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो अभी एक बड़ा सा आइस है, इतना बड़ा आइस है, उसको मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, और इतनी छोटी आइस को मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करता है ना, जितना छोटा साइज उतना टाइम कम, जितना बड़ा साइज उतना टाइम ज्यादा। तो छोटा रहेगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा, और कम रहेगा, और अगर साइज बड़ी रहेगी तो रिएक्शन का रेट घट जाएगा। क्लियर हुआ, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, समझ जाना जो मुझसे बोल रहा हूं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं सर, तीसरी चीज, आगे बढ़िए ना, ओके बच्चा बढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सर ये क्या है, देखो ये क्या है, ये इंक का बॉटल है, इसके अंदर क्या है, इंक है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कोई मिलावट नहीं, अभी मैं इस इंक के अंदर पानी मिला दूं तो ये हो जाएगा डाइल्यूट, मतलब पानी मिक्स कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वो प्योर था, मतलब कुछ भी मिलावट नहीं थी, पूरा बोलेंगे स्ट्रांग था वो, अब पानी मिला दिया, अब क्या हो गया, वो स्ट्रांग नहीं रहा ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब समझ जाना स्ट्रांग, डाइल्यूट मतलब पानी मिक्स कर दिया यार, पानी मिक्स कर दिया। अभी देखो ना, एक एसिड ले लो आप कॉन्सेंट्रेटेड, जो बहुत खतरनाक कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम प्योर एसिड, कोई पानी की मिलावट नहीं है, और एक है हमारा एसिड जिसमें पानी मिलाया हुआ है, तो बताओ कौन ज्यादा खतरनाक होगा, ये वाला ना प्योर एसिड है, इसमें तो पानी मिला हुआ है। अगर किसी चीज को जलाना हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रख दूं, तो भाई हड्डी तक गायब हो जाएगी मेरी, है कि नहीं। लेकिन अगर डाइल्यूट रखूंगा तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, जलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं जलेगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना, तो कितना बहुत ज्यादा। तो भाई देखो मैं क्या कर रहा हूं,
चलो एक रिएक्शन करते हैं, ठीक, ओके सर। एक जगह मैं ले रहा हूँ, ये एग्जांपल ले लो, CaCO3 वाला ही ले लो, चलो ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पर CaCO3 और ले रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइम स्टोन ले, चौक, चौक में एसिड मिला रहे हैं। एक बार जो एसिड ले रहे हैं ना वो ले रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं, और एक बार ले रहे ना डाइल्यूट, मतलब उसमें क्या मिलाएंगे हम, पानी, पानी मिक्स है, ठीक है। तो बताओ रिएक्शन फास्ट कौन होगा, ठीक है, ये चीज मिलने वाला है, वो मैंने लिखने वाला हूँ। फिर रिएक्शन जब भी लिखा करो तो उसको बैलेंस कर दिया करो। मैं बैलेंस नहीं करता हूँ उमूमन, ज्यादातर मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ बैलेंसिंग का काम। नहीं आए नीचे कमेंट सेक्शन है, टाइप करो, बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो भाई ये रिएक्शन कौन सा फास्ट होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा फास्ट होगा। चलो मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, जल्दी बताओ कौन सा होगा ए अभी, कमेंट में बोल देना ए अभी, ए सर, ए सर, ए सर, क्योंकि क्या होगा, प्योर है, बहुत फास्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा सा स्लो होगा। क्या पता चला, हायर द कॉन्सेंट्रेशन हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब भाई शॉर्ट में क्या लिख दूं, शॉर्ट में सर लिख दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भाई रेट भी रिएक्शन का क्या होगा, बढ़ जाएगा। सर अगर कॉन्सेंट्रेशन आप घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। जितना ज्यादा पतला करते जाएंगे उतना रिएक्शन को टाइम लगेगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना रिएक्शन जल्दी होगा, जल्दी होगा। ओके सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। यस सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसा मान रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना अगर कुछ चाहिए रहेगा तो, मान लो अगर इरेज कर रहा हूं तो। ओके, फोर्थ पॉइंट, यस सर, फोर्थ है हमारा बच्चों टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। बताया ना अभी दूध से दही को बनने में ठंडी का वक्त लग रहा था, गर्मी के वक्त में वक्त नहीं लगा, मतलब टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है। जैसे सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल लूं, ले लो अपना चाक, ये क्या सर, चौक बेटा, चौक, चाक नहीं है, चौक, कुछ लोग ऐसे बोलते चाक, बक चौक होता है, चौक। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो, चलो हीट करो, यस सर किया, ये ट्राइंगल का मतलब क्या, हीट किया, गर्म किया। ओके, जब आप गर्म करोगे तब ये देगा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, क्विक लाइम, इसका एक और नाम है बेटा क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, ठीक है। और इसी को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, लाइम वाटर, क्या बनता है, लाइम वाटर। खैर ये पढ़ चुके हैं, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब उसको हीट करते हैं तो ये बनाता है, मतलब टेम्परेचर दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट नहीं करोगे ना, अगर आप हीट, ये जो हीट है अगर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला, साफ हो गया कि टेम्परेचर दिए तो रिएक्शन में तो हुआ ही नहीं। मतलब कुछ रिएक्शन तो इतने हैं, ऐसे हैं कि टेम्परेचर नहीं दोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर दिया ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं हुआ। और बता दूं, और ले लो एग्जांपल है ना, और ले लो प्यारा सा एग्जांपल, आयरन और सल्फर, बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा। जब आयरन और सल्फर को मिला देते हैं, आयरन और सल्फर को जब मिक्स कर देते हैं, मान लो आयरन है और सल्फर पीला कलर का होता है बेटा, येलो कलर का होता है पाउडर फॉर्म में। अब मैंने आयरन को सल्फर में मिला दिया तो इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, मिक्स हो गया। लेकिन अगर दोनों को मिला के हीट कर दिया तो फिर वो रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा कंपाउंड। तो जैसे हीट करेंगे ये बन जाएगा आयरन सल्फाइड, तुरंत इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो क्या देखा आपने कि इसको हीट किया तो, अगर हीट नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, हीट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहा है रिएक्शन। क्या पता चला सर, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यानी कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, समझ के ले लेना, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ओके सर तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, है ना, रिएक्शन को टाइम लगेगा, ये होगा ही नहीं यार कभी, यहां पर तो देख रहे हम हो ही नहीं रहा, घटना तो दूर की बात है। यस सर, अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे, कैटलिस्ट बहुत आगे लगेगा, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको इरेज कर दूं, कैटरीना गायब होने वाली है। यस चलो, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, पांचवा कैटलिस्ट, व्हाट कैटलिस्ट, ये क्या सर, बताते हैं
अभी पहले एग्जाम्पल देखिए, जैसे बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KCl3 को जब हम हीट करते हैं बच्चा तो मिलता है KCl और O2। बैलेंस कर देना आप, आपका काम है, ठीक पता है ना। ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉइज मेकिंग इक्विपमेंट में, मतलब कोई भी जो है नॉइज पैदा करने वाला है ना चीज बनाने में, क्या जैसे स्नाइपर या बॉम्ब वगैरह जिससे आवाज हो, बम 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 आवाज हो, तो आवाज बनाने वाली, आवाज वाली चीज बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, तो जो पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं ना बच्चा तो मिलता है पोटेशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है और बनाता है ऑक्सीजन, ठीक है, हीट कर देगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ये लो टेम्परेचर को मैंने एकदम 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दिया, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जल्दी बताओ क्या होगा, रिएक्शन बढ़ जाएगा ना, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन तुरंत हो जाएगा ना, रिएक्शन एकदम क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे भाई ये सारी चीजें फैक्टर है लेकिन थोड़ी ना सब में अप्लाई होगा, है ना, तो यार यहां पे ऐसा नहीं होता है सर, ये क्या, ठीक है चलो। अब रिएक्शन को फास्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको पाउडर फॉर्म में ले रहा हूं। मान लो अभी मैंने लिया था क्रिस्टल के फॉर्म में, ऐसा लिया था कि ऐसे ही छोटे 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 टुकड़े लिए थे, अब मैं करते टुकड़े टुकड़े करके इसको पीस पीस एकदम पाउडर बना दिया। अब मैंने कि मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसके साइज को एकदम छोटू कर दिया, छोटू। तो देखो साइज अगर छोटू करेंगे, स्मॉलर द साइज हायर विल बी द आरओआर, मतलब साइज छोटा तो आरओआर बढ़ जाएगा, तो आरओआर बढ़ जाएगा ना। लेकिन यहां भी ऐसा नहीं होता है भाई, कितना भी साइज छोटा कर रहे हैं तो भी रिएक्शन फास्ट नहीं हो रहा है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी रिएक्शन फास्ट नहीं हो रहा है। ले ये क्या हो गया भाई, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी रिएक्शन की जो है रिएक्शन जो है इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मतलब तुरंत नहीं हो पा रहा रिएक्शन, है ना, और साइज कम कर दे रहे तो भी रिएक्शन की फास्ट नहीं हो रहा है। रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या है, टाइम का कम लगना, तो भी उतना ही टाइम लग रहा है भाई, चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो चाहे साइज कम कर लो उतना ही टाइम लग रहा है। तो भाई पता चला कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जो ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, एक ऐसा चीज होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, उस चीज का नाम है कैटलिस्ट। क्या नाम है, कैटलिस्ट। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन में जो KClO3 वाला रिएक्शन है इसमें हमने मिला दिया, हीट तो कर रहे हैं, मिला दिया मैंगनीज डाई ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दी। अब रिएक्शन की रेट जो है ना बढ़ गई है भाई, बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फटाक से रिएक्शन हो रहा है। जैसे ही मैं हीट कर रहा हूं इसके प्रेजेंस में, मतलब कैटलिस्ट मिला दे रहा हूं और हीट कर रहा हूं, तो फटाक से रिएक्शन हो रहा है। याद रखना कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है, मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है, बढ़ा देती है लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं होती है। मतलब यह मत समझना कि MnO यहां पे पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उसका काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे 11 12 में तो वहां मैं प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, वहां पे प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहां पे बस इतना ध्यान में रखो कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन का जो टाइम है ना उसको बहुत कम कर दिया। रिएक्शन का रेट, रेट बढ़ना मतलब क्या, स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया मतलब क्या, कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम में कर देता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कैटलिस्ट क्या है, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं करता इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या बेटा, कैटलिस्ट। एक और एग्जांपल देख लो, H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको भी जब तोड़ेंगे तो बनाएगा H2O+O2, लेकिन अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे तो तुरंत हो जाएगा। एक बात अगर बोलूंगा तो शायद आपको भरोसा ना हो, कैटलिस्ट का कमाल यह है, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैटलिस्ट का कमाल यह है कि मान लो इस रिएक्शन को होने में 5 मिनट लगा बिना कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट नहीं मिला है अभी, बिना कैटलिस्ट के हमने किया इस रिएक्शन को, तो मान लीजिए कि 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट, लेकिन जैसे ही मैं कैटलिस्ट लगा दूंगा, यू विल नॉट बिलीव
कि एक मिनट में, आप सोचो कि टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम कितना होगा सिर्फ देखो, एक मिनट में ऐसे 5 मिलियन रिएक्शन हो जाएंगे, एक मिनट में 5 मिलियन रिएक्शन, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, जहां 5 मिनट में एक बार रिएक्शन हो रहा था, एक बार ये टूट रहा था, 5 मिनट में एक बार रिएक्शन हो रहा था, वहां एक मिनट में 50 लाख रिएक्शन होंगे। ये है कैटलिस्ट का कमाल, समझ में आया? तो इसीलिए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने 1996 के आसपास कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया था। इतना काम की चीज है बच्चा ये, जो रिएक्शन को 5 मिनट लगा था सिर्फ एक को, अगर एक मिनट भी मान लो ना, मान लो इस रिएक्शन को एक मिनट लगाओ, तो भी यार उस एक मिनट में ऐसे 50 लाख रिएक्शन करवा देगा वो कैटलिस्ट। इतना खतरनाक स्पीड बढ़ा देता है, इतना स्पीड बढ़ा देता है कि एकदम कम टाइम में हो जाता है। सोचो कुछ रिएक्शन तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना कि आप उसका टाइम भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अभी देखो ना, ये इसमें मान लो एसिड, मान लो कुछ मिला है, अब रिएक्शन होना, अब तुम मिलाओगे, जैसे मिला अब तुम बटन दबाओगे स्टॉप वॉच का कि टाइम कितना लग रहा है, बटन दबाओगे उससे पहले रिएक्शन हो गया। अरे यार बटन दबाओगे उससे पहले रिएक्शन हो गया तो कैसे टाइम कैलकुलेट? तो कुछ रिएक्शन इतने फास्ट हैं कि भाई टाइम भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, कुछ इतने स्लो हैं कि पता चले उसको जंग लगने से पहले हमको ही जंग लग जाए, और कुछ मॉडरेट है, है ना? तो ज्यादातर जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो मॉडरेट वाले पढ़ते हैं, जिसके हम टाइम को पता कर सके। तो आगे इसी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेटा 12th में जब आप जाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स करके चैप्टर है, वहां पे पूरा पूरा पढ़ेंगे। आप सोचोगे सर इसका यूज कहाँ है? अरे यार बहुत बड़ा यूज है, कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको बिस्किट बनाना है, चॉकलेट बनाना है, तो बिल्कुल कैटलिस्ट यूज करेंगे ना आप, ताकि कम टाइम में 2 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए, 20 लाख बन जाए। अब मान लो अचानक से आपको आपको क्या हुआ, यूएसए कंपनी की तरफ से आपको ये मिला, चलो भाई हमको भाई 2 करोड़ चॉकलेट चाहिए, और आपको एक दिन का टाइम दिया। अरे कैटलिस्ट रहेगा तो फटाफट हो जाएगा ना, 2 करोड़ क्या, 5 करोड़ कैटलिस्ट, 5 करोड़ चॉकलेट आप बना देना। तो भाई ये सब का इस्तेमाल फैक्ट्री वगैरह कंपनी वगैरह में होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने आज देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ लेसन हुआ पूरा पूरा खत्म। अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे कैन यू रिकॉल यूज ब्रेन पावर एंड एक्सरसाइज को सॉल्व पूरी तरीके से, इसी जोश में एकदम झमाझम करेंगे एकदम। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।